हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल पर। तो आज हम आपको कुछ गुड हैबिट्स दिखाने वाले और सिखाने भी वाले हैं। मैं नहीं, ये बच्चे सिखाएंगे। तो हम बच्चों से कुछ सवाल करेंगे और बच्चे उसे जवाब देकर आपको बता देंगे कि वो कौन से गुड हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। तो आर यू रेडी? यस। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप बताओगे, जब भी हम खांसते हैं, कफिंग करते हैं, तो हम कैसे कफिंग करना चाहिए? यस, ये एक राइट एग्जांपल है। जब भी आप खांसते हो, ऐसे नहीं खांसना चाहिए, आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए। आपके पास उसके लिए एक साफ सुथरा रुमाल होना चाहिए, हैंडकरचीफ होना चाहिए। हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप कफिंग करते हो, ताकि जो आपके सामने बैठा हो उससे उसे इन्फेक्टेड ना हो, राइट? नहीं तो सामने वाला भी बीमार हो सकता है। तो आप क्या बीमार होना चाहते हो? नो, वी डोंट वांट टू गेट सिक। ओके, नेक्स्ट मोमिना, अगर मुझे स्नीच करना, मुझे छींक आ रही, अच्छी, तो मैं जो मुझे क्या करना चाहिए उस हालात में? अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए, राइट? ताकि जो मेरे सामने बैठा हो उस पर पूरा छींक ना चला जाए, तो उससे क्या होता है, बीमार पड़ जाएगा इंसान, है ना, जो कि हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो चलिए एक रैपिड राउंड, बच्चे बताएंगे कि वेदर इट्स अ गुड हैबिट और नॉट। ओके, तो पहला सवाल रेकिप से, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, क्या ये सही है? यस। हाँ, तो हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद विद सोप और हैंड वॉश से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यस और नो मोमिना? यस। तो हाथ किस तरह धोते हैं, अच्छे से बताओ तो जरा दिखाना। इस तरह हाथ धोया जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा। यस यस, ओके ओके, डन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोमिना, वी शुड टेक बाथ एवरी डे, क्या हमें रोज नहाना चाहिए? यस दोस्तों, हमें रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं और बहुत सारे धूल मिट्टी कंकड़ हमारे बॉडी में चिपक जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम बीमार पड़ सकते हैं इससे। क्या बीमार पड़ना चाहते हो? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू रेकिप, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या हमें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए? यस दोस्तों, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारा पसीना वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट? पसीने के जरिए हम बहुत सारा पानी लॉस करते हैं, तो हमारे बॉडी को रेगुलर बेसिस पे पानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोमिना से, वी शुड क्लिप आवर नेल्स, ओके, मतलब क्या है कि हमें अपने नाखून काटने चाहिए या नहीं चाहिए? हमें अपने नाखून काटने चाहिए। अगर हम नहीं काटते तो क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, नाखून में गंदा घुस जाएगा, गंदगी हो जाएगा, और हम उसे हाथ से खाना खाएंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम बीमार पड़ जाएंगे तो स्कूल हमें एब्सेंट करना पड़ेगा, क्या ये अच्छी बात है? हमें रोज स्कूल जाना चाहिए कि नहीं? ओके, जाते जाते एक सवाल, क्या हमें अनकवर्ड फूड खाना चाहिए? सोचो कि मम्मी ने खाना बनाया और उसे ढका नहीं अच्छी तरीके से, तो हमें क्या उस तरह का खाना खाना चाहिए? क्यों, मम्मी ने बनाया भाई, मम्मी के हाथों का खाना तो हमें खाना चाहिए। यस। मोमिना, क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं दोस्तों, चाहे किसी ने भी खाना बनाया हो, अगर वो अनकवर्ड फूड है, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते हैं, कि आपने कभी देखा है? जैसे छिपकली हो गए, आपकी छत के ऊपर चलती है, दीवार में चलती है, पोटी कर देती है उसके ऊपर। चूहे आपके घर में बहुत, उंदूर बोलते हैं ना यहाँ पे, उंदूर घूमते हैं, कॉकरोचेस है, मकड़े हैं, स्पाइडर है, यस। तो हमें हमेशा जब भी हम खाना पकाते हैं उसे कवर्ड करके रखना है, ढक के रखना है। ओके, तो आप ढककर नहीं रखते हो तो आप आज से रखना शुरू कर दो, और अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताना, ठीक है? तो जाते जाते और एक गुड हैबिट्स जो कि हम सबको फॉलो करने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, हमें हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, और हमें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। यस और नो? तो जाते जाते रेकिब आपको एक एक्सरसाइज बताएंगे और करके भी दिखाएंगे। रेकिब, एक एक्सरसाइज दिखाइए। ओह माय गॉड, देखिए ये तो बहुत ताकतवर है। ओके रेकिब, थैंक यू। अब मोमिना एक एक्सरसाइज दिखाएंगे। मोमिना, आप दिखाइए कोई भी एक एक्सरसाइज जो आपने स्कूल में किया हो या घर में करती हो, आपने देखा होगा आसपास किसी को भी, जल्दी से। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। यस और नो रेकिप? यस।
क्योंकि रेकी बड़े होकर कोबरा कमांडो में जाना चाहते, तो उन्हें फिट, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ हेल्दी खाना खाते, तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप योगा करो, चाहे रनिंग करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करना है आपको। ओके, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। रहेगा फिट मेरा इंडिया? यस, मेरा इंडिया फिट रहेगा, मेरे बच्चे फिट रहेंगे तो मेरा इंडिया भी फिट रहेगा। बाय बाय।